सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अभिनव दीपू और आज सुबह मॉर्निंग में निकले हैं और साथ में मेरा एक दोस्त भी आया है। तो आज मेरे साथ है निखिल, तो हम निखिल साथ में निकले हैं क्योंकि निखिल जो है अभी रिसेंट में लद्दाख राइड करके आया है। तो हम लोग थोड़ा बातचीत करने के मूड से भी निकले थे और सोचे क्यों ना आप लोग के साथ कुछ ब्लॉग शेयर कर दें। तो आप व्यू देख सकते हैं हम है एग्जैक्ट कहाँ पे, तो ये लोकेशन देख के आप समझ गए होंगे अगर पटना से बिलोंग कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि जी हाँ दोस्तों, अभी हम फिलहाल है दीघा में और ये मेरे पीछे है दीघा का नज़ारा। तो बात करने वाले हैं आज गंगा में जो पानी वाटर लेवल जो डे बाई डे बढ़ रहा है उसके बारे में आज अपडेट देने वाले हैं और हर एक डिटेल कोशिश करेंगे इस ब्लॉग में शेयर करने का, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत लोग जो है वो गंगा का जो वाटर लेवल बढ़ रहा है डे बाई डे उसका अपडेट मांग रहे थे। तो कोशिश रहेगा कि हर एक डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करें। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा। मेरा हर एक ब्लॉग का जो नोटिफिकेशन है उसको आपको टाइमली मिलते रहेगा। और साथ ही साथ बता दें कि पटना बिहार से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है वो मेरे चैनल पर आता है और साथ में लॉन्ग राइड भी करते हैं, तो हर एक तरह का ब्लॉग मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा आपको। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और ले चलते हैं थोड़ा गंगा के नज़दीक और दिखाते हैं गंगा का पानी का फ्लो क्या है, आप देख के समझ सकते हैं। सो चलते हैं हम लोग, और आपको जैसा कि बता दिया ऑलरेडी कि ब्लॉग आप यहां से स्टार्ट किए हैं, बट चलते हैं थोड़ा आगे और दिखाते हैं गंगा का जो वाटर फ्लो है वो काफ़ी तेज़ है। मतलब बहाव जो है पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। मतलब ऐसा है कि वो क्या उसको बोल सकते हैं, खतरनाक लेवल का जो पानी है वो गंगा में आ गया है। और हम लोग अभी देख सकते हैं, मतलब पानी इस लेवल का है कि दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक पानी है। और आज आपको अपडेट देने वाले हैं, अगर देख सकते हैं कि पूरा जो पानी का लेवल है वो कहाँ तक आ गया है, अभी नज़दीक चल के आपको दिखाते हैं। और ऐसा अगर पानी का वाटर लेवल अगर बढ़ते हो गया ना तो पटना को फिर से डूबने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वाटर लेवल इतना बढ़ रहा है कि पटना डूब ही जाएगा। अगर एक दिन का भी, अगर 24 घंटे का भी अगर प्रॉपर अच्छा बारिश हो गया ना तो पटना को डूबने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जितना भी नाला है और जो जो गंगा जी से जो कनेक्शन किया हुआ है वो हर एक नाला का जो वाटर लेवल है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, आगे चलते हैं रोटरी रोड साइड, तो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको बता सकते हैं कि जो भी नाला का कनेक्शन है ना गंगा जी से, वो सारे का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो गंगा का काफ़ी बढ़ गया है। अगर उसको नहीं बंद किया जाएगा तो शहर में पानी आ जाएगा, और अगर बाय द वे भगवान ना करे कैसा हो बारिश हो, अगर बारिश हो गया तो पानी निकलने का कहीं से कोई सोर्स ही नहीं रहेगा, तो जल जमा हो जाएगा। और जैसा पिछले साल जो जल जमाव हम लोग देखे थे पटना शहर में, कुछ उस टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा हम लोग को वापस। तो भगवान ना करे कैसा हो, और वाटर लेवल जब अगर नीचे हो जाएगा उसके बाद अगर बारिश होगा तो वो कंट्रोल में रहेगा और उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे अगर पानी निकलने का जब तक निकास नहीं रहेगा तब तक तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अभी हम लोग फिलहाल रोटरी रोड पे हैं और आपको एकदम पास से थोड़ा व्यू दिखाते हैं। तो बता दें कि वाटर लेवल जिस हिसाब से बढ़ रहा है ना, मतलब खतरा के निशान से काफ़ी ऊपर जो है वो वाटर लेवल हो गया है गंगा जी का। और इस हिसाब से अगर बढ़ता रहा तो बहुत बड़ा हादसा या आपदा जिसको बोल सकते हैं वो आ सकता है। और बारिश स्टार्ट हो गया है, तो बारिश स्टार्ट हो गया तो हम कहीं चलते हैं साइड में, तो वो वाले फ्लाईओवर के नीचे जो है वो रुकते हैं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया है तो भीगने का कोई मतलब नहीं है, और क्योंकि फ़ोन है, कैमरा है, सब कुछ का केयर करना रहता है, तो भींग सकते नहीं हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ा रुक जाते हैं, अगर बारिश होने लगा तो थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ आ जाते हैं क्या, चला जाए आगे, फिर कहाँ रुकने का है। तो आपको बता दें कि वाटर लेवल तो देख लिए हम लोग ऑलरेडी, आप वीडियोज़ में देख चुके हैं, और अगर इस टाइप से अगर वाटर लेवल डे बाई डे बढ़ते रहा तो
बहुत मतलब डेंजर चीज़ है, मतलब देख सकते हैं इवन यहाँ है। और अगर बात करें गंगा उस पार का जो भी गांव वाव है जिसको दियरा क्षेत्र बोलते हैं, वो सब तो बिल्कुल डूब चुका होगा। और उस साइड के लोग कैसे सरवाइव करते होंगे ये काफ़ी टफ है। और ये हर एक साल आता है, मतलब हर एक साल उन लोग को इस चीज़ का इस प्रॉब्लम का जो फेस करना पड़ता है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता होगा उन लोग के लाइफ में, क्योंकि लाइफ में ये चीज़ हर एक साल उन लोग को फेस करना पड़ता है, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता होगा। तो हम लोग अभी चल रहे हैं वापस, क्योंकि बारिश जो है वो स्टार्ट हो गया है, और बारिश एक बार स्टार्ट हो गया तो इधर कहीं शेड का भी ऑप्शन नहीं है। तो इस वजह से हम लोग प्लान किया कि चलते हैं घर के तरफ। और अगर बता दें कि ये जो पानी है ना, ये हर साल आता है, और जो भी दियरा क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोग का जो सर्वाइवल होता है वो काफ़ी टफ हो जाता है, मतलब इवन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना ज़्यादा टफ हो जाता है। और वैसे बहुत लोग गांधी घाट और NIT घाट का भी अपडेट मांग रहे थे, तो कभी उस साइड में राइड करेंगे तो ज़रूर वहाँ का भी अपडेट शेयर करेंगे। आज आए थे दीघा साइड, तो सोचे क्यों ना आप लोग के साथ दीघा साइड का अपडेट शेयर कर दें। और अगर अभी मौसम ठीक रहता तो हम लोग आगे भी राइड करते, बट बारिश हो रहा है तो आगे का राइड जो है उसका प्लान थोड़ा पोस्टपोन करते हैं और चलते हैं। तो बारिश की वजह से जो है ना ये वाला व्लॉग जो है वो थोड़ा इनकम्प्लीट टाइप फील हुआ, नहीं तो हम अभी प्लान किए थे कि JP से तो उस साइड जाएंगे, क्रॉस करेंगे और उस साइड का व्यू आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि मेन जो क्षेत्र है वो दियरा क्षेत्र जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, और अफेक्टेड होता भी है हर साल, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं उतना पानी होगा जेपी से तो उस साइड जब क्रॉस करेंगे सोनपुर के साइड, तो उस साइड में काफ़ी ज़्यादा पानी रहता है, तो उस साइड इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो उधर का सीन देखने को मिलता। बट बारिश के वजह से हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया, अभी भी बारिश हो रहा है, तो बारिश में कहीं फंसना जाए इस वजह से, क्योंकि JP सेतु जो है उस पर अगर फंसेंगे तो पूरा भींगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कहीं कोई सेट नहीं है। सो इस वजह से थोड़ा रिस्क नहीं लिए, कि भींगने का मतलब है कि तबीयत जो है वो ख़राब हो सकता है, और तबीयत जो है वो थोड़ा बहुत ख़राब हुआ भी है बीच में, तो इस वजह से भींगने का जो प्लान है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिए हैं। और अभी हम वापस निकल रहे हैं घर, तो एक छोटा सा राइड था, छोटा सा व्लॉग था, और यही था कि दीघा में जो पानी है वाटर लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, और इसका जो एक अपडेट था वो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आई होप सो कि आज का व्लॉग जो है वो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए,